हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। और जो सेंटेंसेस इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे वो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और ये सभी सेंटेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसमें हम क्या देखेंगे जो हमें यह बताएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए, जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा तो उस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार होगा। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस मिल सकता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और कुछ एडवर्ब फ्रेजेस या एडवर्ब वगैरह और हो सकती हैं सेंटेंस में, लेकिन आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ई एस मिलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या मिलेगा? तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद डू नॉट मिलेगा या डज नॉट मिल सकता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और फिर ऑब्जेक्ट मिलेगा और कुछ एडवर्ब वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, ये नेगेटिव का हो गया। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या मिलेगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको डू या डज सब्जेक्ट से पहले मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो आपको मिलेंगे और ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। तो ये जो सेंटेंस हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने लिखे हैं 1, 2, 3, ये तीनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा हुआ है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जिस सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले डू या डज है और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। यहाँ पर एक बात चीज़ देखिए आप कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब अकेली यूज होती है तो उसके साथ हम एस या ई एस लगा सकते हैं, लेकिन जब डू नॉट या डज नॉट यूज होता है, मीन्स जब डू या डज यूज होता है, तो डू या डज कब यूज होता है? या तो नेगेटिव में यूज होता है या इंटरोगेटिव में यूज होता है। तो जब भी डू या डज यूज कर देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई ऐसी आई एस हम ऐड नहीं करते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ सेंटेंस हमें अगर मिलेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। तो अब इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो इसके लिए कुछ सेंटेंस लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है ही टीचेस मी। तो इस सेंटेंस में जहाँ तक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का सवाल है तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, यहाँ पे जो टीचेस है वो यह वर्ब है और मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई एम टॉट बाई हिम। अब ये कैसे बना? तो इसके लिए 5 स्टेप्स हैं, आपको ये हमेशा याद रखने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 स्टेप हैं। 5 स्टेप्स क्या कहते हैं कि पहला जो आपको काम करना है वो करना है जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको बना देना है सब्जेक्ट। उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग आपको एक हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। थर्ड नंबर पे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। 4 नंबर पे आपको बाई का यूज करना है, लेकिन ये ध्यान रखना थोड़े एडवांस लेवल पे बाई वगैरह कभी यूज नहीं भी हो सकते, ये बाई हमेशा यूज नहीं होगा, लेकिन मोस्टली बाई यूज करना है। और 5वां जो स्टेप होगा उस पर आपको क्या करना है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको आपको क्या बना देना है? पैसिव वॉइस के सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, तो 5 स्टेप जब हम फॉलो करेंगे तो कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको लर्न करने हैं, आपको हमेशा याद रखने हैं। अब देखिए,
ये एक्टिव वॉइस में था ये सेंटेंस, तो ये पैसिव वॉइस में बना तो ये ऐसे बन गया। कैसे बना देखिए, ये सबसे पहले तो मी है, इस मी को हमने क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था हमने सब्जेक्ट बनाया तो ये आई हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर दो पे क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब भी कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज, एम या आर, ओके। और जो नया सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको ये लगाना है, तो आई के साथ इनमें से एम का यूज़ होता है तो एम लगा दिया। उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो ये थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद बाई का यूज़ किया तो ये बाई हो गया। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे ही, तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाया तो ये बन गया हिम। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर कोई नाउन है तो उनको तो आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो वो आपको चेंज करने हैं। कैसे चेंज करने, देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो वो ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो मी हो जाएगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट मी है उसको सब्जेक्ट बनाओगे तो आई हो जाएगा। इसी प्रकार से वी अगर है तो उसको अस कर देंगे, अस अगर है और उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो वी हो जाएगा। इसी प्रकार यू का यू ही रहेगा, ही का आपको कर देना है हिम और हिम का क्या हो जाएगा ही। उसी प्रकार से सी का हर और हर का सी। उसी प्रकार से दे का देम और देम का दे, ओके। और इट को आपको चेंज नहीं करना है, इट का इट ही रहे, ओके। तो इस प्रकार से हम इनको जो है प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, नाउंस को हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारा पहला सेंटेंस था जो हमने देखा कि हम इसको कैसे चेंज किया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डू नॉट ग्रो राइस। अब आप देख रहे हैं ये नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये देखिए डू नॉट लगा हुआ है, डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये वर्ब हो गई और ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा राइस इज़ नॉट ग्रोन बाई देम। अब कैसे बना देखिए, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया तो जैसा कि मैंने आपको बताया नाउन चेंज नहीं होता है तो ये नाउन राइस का राइस रहेगा। उसके बाद इसमें डू नॉट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो पैसिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, एम या आर में से, तो राइस के साथ इज लगेगा। उसके बाद क्योंकि नेगेटिव है तो जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में और उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो इस तरह से आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो ग्रो की थर्ड फॉर्म होगी ग्रोन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है तो बाई हो गया। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट दे है, इसको ऑब्जेक्ट बनाया तो ये देम हो गया, ओके। तो इस तरह से इसको चेंज करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा डू यू लाइक टी। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये सब्जेक्ट है हमारा, इससे पहले ये हेल्पिंग वर्ब है, ओके। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो इसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इज टी लाइक्ड बाय यू। कैसे हुआ देखिए, इंटरोगेटिव में जब आप किसी कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव में होता है और वो इंटरोगेटिव सेंटेंस आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कुछ पाँच स्टेप्स बताए थे, उन पाँच स्टेप्स में से आप पहले दो स्टेप्स को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब है पहले दूसरा स्टेप, फिर पहला, फिर तीन, चार और पाँच, ओके। अब दूसरा स्टेप पहले करना है। दूसरा स्टेप क्या था, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी थी तो हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लगाएंगे। अब वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे वो ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब लगानी है, अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगानी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा टी है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके लिए हमें सिंगुलर वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें सिंगुलर वर्ब लगा दी यहाँ पे, सिंगुलर मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा दी। तो दूसरा स्टेप पूरा हो गया। फिर पहला स्टेप क्या करते थे हम, जो ऑब्जेक्ट होता था उसको हम सब्जेक्ट बनाते थे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट टी, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते थे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगानी है। ये लाइक छपा हुआ है लेकिन गलत है, आप इसको लाइक्ड मान के चलें, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है यहाँ। उसके बाद नंबर चार पे बाई लगाते हैं तो ये हमने बाई लगा दिया। उसके बाद नंबर पाँच पे
जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सब्जेक्ट यू है, इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो यू ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वाई डू यू हेल्प हिम। अब ये सेंटेंस क्या है, देखिए ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है लेकिन इसमें डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में लगा हुआ है, ये डब्ल्यू एच वर्ड है। बाकी उसके बाद आपको वही इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है और शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो आपको क्या करना है, ये डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में ही लगा देना है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा, वाई इज़ ही हेल्प्ड बाई यू। तो देखिए सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया वाई, उसके बाद हमने वही जो स्टेप्स थे हमारे, क्योंकि इंटरोगेटिव बच गया, अब आगे का हमारा इंटरोगेटिव बच गया, ये तो 2 1 3 4 5 ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये सेंटेंस, तो इस जमाने में से लगाना है। अब इस जमाने में से क्या लगेगा, इसके लिए आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट देख लेना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिम है, तो हिम है तो इसको जब हम सब्जेक्ट लाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग तो ही हो जाएगा, ठीक है। ही के साथ क्या लगना है, ही के साथ इस जमाने में से क्या लगेगा, इज, तो हमने यहाँ पर इज लगा दिया, ठीक है। जब भी आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मतलब नंबर दो स्टेप फॉलो करते हैं, तो नंबर दो स्टेप तो हेल्पिंग वर्ब का है, तो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी इज, एम या आर में से, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। हमें कैसे पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू है, ओके। तो डू है तो डू तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, तो हमें इसलिए हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि इज एम आर में से हमें लगाना है। अब इज एम आर में से क्या लगेगा, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर लगेगी, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी। अब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है हिम, तो हिम है तो ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर जो है हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, ओके। नंबर वन पे हमें क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट जो हिम है इसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो ये ही हो गया। उसके बाद नंबर तीन पे हेल्पिंग सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हेल्प्ड। उसके बाद बाई लगाना है तो ये बाई हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये यू हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, व्हाट डू यू वांट। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि व्हाट कैसे कैसे सेंटेंस में आ सकता है। तो मैं यहाँ पे जो है चार आपके लिए सेंटेंस डिस्प्ले कर रहा हूँ, जिसमें से दो एक्टिव वॉइस के हैं, दो पैसिव वॉइस के हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए, व्हाट डू यू वांट, इसमें क्या है कि व्हाट, व्हाट के बाद है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद है वर्ब। तो जब व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है तो ऐसे सेंटेंसेस में व्हाट ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना है ये। तो यहाँ पे व्हाट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है यू और ये वर्ब है। लेकिन ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है कि व्हाट के बाद सीधी मेन वर्ब है, तो जब व्हाट के बाद सीधी मेन वर्ब आए तो उसमें ये व्हाट जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ओके। तो जब व्हाट ऑब्जेक्ट हो तो उसकी पैसिव वॉइस आप कैसे बनाओगे, देखो जब भी कोई सेंटेंस व्हाट से शुरू होता है तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो भले ही वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हो, आपको ये स्टेप्स ऐसे फॉलो करने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले नंबर पे आपको लगाना है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट इसमें व्हाट है तो हमने सब्जेक्ट बना दिया और शुरू में ही रख दिया ये व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर लगते हैं, लेकिन व्हाट के साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब लगानी है, जो हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर लगानी है। तो व्हाट के बाद इज लगा दिया हमने, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वांटेड, उसके बाद बाई, तो ये बाई हो गया। उसके बाद नंबर पाँच पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू, इसको ऑब्जेक्ट बना दिया। ये काम आपको तभी करना है जब व्हाट ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अगर व्हाट सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, व्हाट अगर सब्जेक्ट है तो ये रूल आपको नहीं लगाना है, फिर आपको क्या करना है कि व्हाट का बना देना है आपको बाय व्हाट, ठीक है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, लेकिन इस बार हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नहीं लगानी है, इस बार हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू के साथ आर का प्रयोग होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया। उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देना है, तो ऑब्जेक्ट यू है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया।
उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ट्रबल की हो जाएगी, ट्रबल्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। तो जो सेंटेंस वर्ड से शुरू होते हैं उनको जब पैसिवाइज में चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पे नहीं है, तो एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिखता हूँ, यहाँ पे शायद मैं उसको टाइप करना भूल गया, तो वो मैं आपके लिए वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं एक स्लाइड को जो है खाली कर लेता हूँ, अब ठीक है। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, हु अब्यूजेस यू। ओके, ये हु से शुरू है ये सेंटेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होगा तो उसको आप, उसमें जो हु होगा वो सब्जेक्ट होगा, ये भी बात क्लियर है। जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसमें जो हु होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, ये यहाँ पे वर्ब है, और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसको जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हु है, इसको आपको बना लेना है बाय होम। तो ये हमारा हो गया बाय होम। उसके बाद आपको लगानी है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? तो हेल्पिंग वर्ब क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम या आर में से। अब इज एम आर में से क्या लगेगा, इसके लिए हमें देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारे पास यू, तो यू के साथ क्या लगेगा? आर, तो हम यहाँ पे लगा देंगे आर। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास यू है, इसको जब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू। ओके, उसके बाद आपको जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वर्ब यहाँ पे अब्यूज है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये हो जाएगा अब्यूज और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से वो सेंटेंस जो हु से शुरू होते हैं उनको आपको इस तरह से चेंज करना है, ठीक है। तो आई होप आप इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेस को, चाहे कैसा भी हो, आप पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टेंस लेकर आएंगे और उसके सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।